क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते थोड़ा पोस्ट सर्जिकल केयर के बारे में भी बताइए कि आई थिंक टू थ्री डेज का ही पोस्ट सर्जिकल केयर रहता है ज्यादा विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज सिल्क वाली जो है उसमें ट्वेंटी फोर आवर्स का है आज का कल से अपने काम पे लग जाओ फिर भी वी टेल की, टेक इट इजी ऐसा कोई रश नहीं है लाइफ में इट्स अ सर्जरी यूर वंडरवेंट एंड ट्रीट इट लाइक अ सर्जरी दो तीन दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ बॉडी को सेट तो होने दो नए सिस्टम के साथ एंड देन गेट बैक टू योर वर्क सो आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि आज ऑपरेशन कराऊँ फ्राइडे ऑपरेशन कराऊँ सैटरडे संडे छुट्टी लो मंडे से अपने काम पर लग जाऊ mm. अच्छा इसके बाद पोस्ट ऑप में बेसिकली पेशेंट्स को थोड़ा दवाइयाँ डालना होता है तो ये जो सारी लेजर सर्जरीज है इनका जो मेन साइड इफेक्ट है दैट इज ड्राइनेस कि आंखों में सूखापन बनेगा और उसको ठीक होने में दो तीन महीने लगते ही लगते हैं so you have to be prepared कि दो दिन बाद अपने काम पे लग गए लेकिन दो तीन महीने तक दिन में तीन चार ड्रॉप्स को डालना पड़ेगा mm. इसलिए भी डरते हैं लेसिक से क्योंकि एक है कि वो कुछ हेलो होता है। मेरे साथ नहीं हुआ था आई डेंट फील इट देखो लेसिक वेन इट स्टार्टेड इट द टेक्नोलॉजी वॉज इट इन इन्फेंसी अभी तो आई थी ना तो उस टाइम पे तो साइड इफेक्ट ज़्यादा ही होते थे रात के टाइम की विजन थोड़ी डिस्टर्ब होती थी रात को आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हो थोड़ा लाइट फैलती थी जिसको ग्लेयर स्टार बर्स्ट कहते हैं या हेलोज दिखते थे लाइट कराउन थोड़ा छल्ला सा दिखता था बट ऑल दी साइड इफेक्ट्स आर थिंक ऑफ पास नाउ लेसिक तो हम आजकल ज़्यादा करते ही नहीं है वी हैव मूव्ड ऑन टू कंट्यूरा एंड सिल्क तो ये वाली प्रॉब्लम्स इन जो नई टेक्नोलॉजीज़ है ना इनमें ऑलमोस्ट जीरो हो गई हैं ये सच है कि अगर आपने लेसिक जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ सर्जरी है जो आपने कहा कि बीस तीस हज़ार की होती है अगर वो करी तो मैंने सुना है कि पांच दस साल बाद फिर से करनी होती है इज इट इट ट्रू विल पर्सन पर्सन टू लेसिक में लेसिक करा लो स्माइल करा लो सेल्क करा लो कंट्यूरा करा लो कुछ भी करा लो एक आईसीएल करके भी होता है एनी प्रोसीजर दैट यू गो थ्रू यूजली मैक्सिमम लोगों को कुछ नहीं होता वंस इट इज डन इट इज विद यू फॉर एवर परमानेंट है बट है तो ह्यूमन बॉडी ना एंड ह्यूमन बॉडी कैन चेंज इट इट्स अ लिविंग टिश्यू ब्रीथ कर रही है आंख ब्लड वेसल्स हैं सो टाइम्स वेरी रेयरली वी सी कि कुछ लोगों का नंबर थोड़ा बहुत आ गया मान लो कि इसने का नंबर हटाया था दस पंद्रह साल सब कुछ बढ़िया निकल उसके बाद थोड़ा सा आधा पौना नंबर आँख में आ गया तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो नथिंग टू पैनिक गो बैक टू योर डॉक्टर थोड़ा सा लेजर डाल के उसको टचअप करके ठीक कर देंगे तो उसको सॉल्विंग दैट इशू इज अ पीस ऑफ केक मुझे अगेन याद नहीं पर जब मैं उस ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहा था मेरे खुद के ऑपरेशन के लिए कॉर्निया uh, थिकनेस का एक फैक्टर होता है मतलब आपका कॉर्निया का थिकनेस थोड़ा सा होना चाहिए ज़्यादा करेक्ट कॉर्नियल थिकनेस जो है ना दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें देखना होता है चश्मा हटाने के लिए देखो ये जो सारे लेजर ऑपरेशन हैं ये कॉर्निया का करवेचर चेंज कर रहे हैं जैसे मैंने बताया तो ये चेंज कर कैसे रहे हैं कुछ कॉर्निया को हटा के तो मैंने बताया जैसे बर्न करके भी हटा सकते हैं और थोड़ा कट करके भी हटा सकते हैं ड अ मिनिमम कॉर्नियल थिकनेस जिसको मैं पतला कर सकता हूं और कॉर्निया को मोल्ड कर सकता हूं सो so अगर कॉर्निया बहुत पतला होगा देन वी डोट वॉन्ट टू डू लेजर सर्जरीज कितने लोगों में बहुत पतला होता है अबाउट टेन परसेंट ओनली टेन परसेंट और ये जेनेटिक रेट होती है ओके okay. पतले कॉर्निया का मतलब ये नहीं है कि आंग खराब है या अब है पतले कॉर्निया का मतलब ये है कि लेजर से हम चश्मानी हटा सकते हैं क्योंकि कॉर्निया को लेजर में हम और पतला करेंगे नाउ यू ऑलरेडी हैव अ थिन कॉर्निया विद इट उसको और पतला करा सो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप सेफ्टी लिमिट के नीचे चले जाओ और फिर कॉम्प्लीशन आ जाएंगी तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं ना जिनका कॉर्निया पतला होता है या जिनका नंबर बहुत हाई है जैसे ये जो लेजर्स हैं ये आठ नंबर तक का चश्मा हटा सकते हैं पर चश्मे का नंबर तो तीस भी हो सकता है पच्चीस भी हो सकता है अभी आई ऑपरेटेड पेशेंट माइनस चश्मे है? का नंबर था तो दिखता क्या है कुछ नहीं दिखता इतना मोटा चश्मा पहनते हैं वो लाइफ बिल्कुल यूजलेस हो जाती है चश्मे से छोटा छोटा दिखता है साइड की नजर खराब हो जाती है उनके लिए तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ यू टर्न हो जाते हैं जब किसी का तीस नंबर का चश्मा हटाते हैं बट तीस नंबर फॉर्म कैसे होता है ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में कुछ भी हो सकता है ह्यूमन बॉडी किसी को समझ थोड़ी आई है आज तक एज डॉक्टर्स ऑल्सो वी जस्ट नो ट्वेंटी परसेंट अबाउट ह्यूमन बॉडी एट्टी परसेंट तो पता ही नहीं गॉड हेज मेड इट एंड गॉड डि नॉट गिव एस एनी मैनुअल टू रीड कि वो ह्यूमन बॉडी को ट्रीट ऐसे करना है सो वट एवर वी आर डूइंग ना दिस इज ऑल एविडेंस बेस्ड इतने सालों में जो हमने डॉक्टर्स ने सीखा पढ़ा ह्यूमन बॉडी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई वही नॉलेज आगे पास ऑन हो रही है उसी को डिवेलप करते जा रहे हैं सो इल जस्ट कम टू दैट पॉइंट कि तो ये लेजर जो है आठ नंबर तक हटाएंगे अब किसी का नौ दस पंद्रह बीस तीस का नंबर है उनको कैसे हटाओगे सो देन देर इज नदर टेक्नोलॉजी जिसको आई सी एल कहते हैं आईसीएल इज लाइक तो कॉन्टैक्ट लेंस हम आंखों के ऊपर लगा रहे हैं आईसीएल एक लेंस होता है जिसको परमानेंटली आंख के अंदर डाल देते हैं तो एक तरह से पावर जो आप बाहर पहन रहे और बाहर से चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है ये भी बहुत पॉपुलर टेक्निक है एंड इट्स ग्लास होता मटीरियल मेड ऑफ अलियलर इट्स वेरी स्मॉल इट अ फ्लेक्सीबल मटीरियल इट्स मेड ऑफ अल मियल कॉल कोलामर फ्लेक्सिबल मटेरियल है छोटे से इंसिजन से आंख के अंदर चला जाता है एंड इट्स अ बायो कम्पैटिबल मटीरियल दैट मीन इट कैन स्टेन योर लाइफ फॉर हंड्रेड इयर्स और कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोई रिएक्शन नहीं होता सो so, जिनका चश्मे का नंबर छोटा है वो लेजर्स करेंगे जिनका चश्मे का नंबर हाई है या कॉर्निया की थिकनेस कम है या आंखों में ड्राइनेस ज़्यादा है क्योंकि लेजर ड्राइनेस करेंगे या आंखों में कुछ कैरेटोकोनस की प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे फिर हम लेजर से चश्मा नहीं हटाते फिर आंख के अंदर लेंस डाल के जिसको आई कहते हैं उससे चश्मा हटाया जाता है मतलब मुझे मेडिकल इतने कूल क्यों लगते हैं क्योंकि आप लोगों से पता चलता है कि कुछ भी पॉसिबल है आज की दुनिया में साइंटिफिकली स्पीकिंग आई नो वी फ्यू इयर्स बैक दिस दिस वाज ऑलमोस्ट अ ड्रीम फ्यू इयर्स बैक मतलब हाउ लॉन्ग बैक अबाउट ट्वेंटी इयर्स बैक 2003 2004 तब इतना डेवलपमेंट नहीं था मतलब आज के स्टेज में तो बहुत ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हैं फिर भी हम कहते हैं अगर सौ लॉन्ग चश्मा हटवाना चाहेंगे तो सौ में से एट्टी लोग ही हटा सकते हैं बीस को अभी पहनना पड़ेगा

चश्मे का जो नंबर है वो पिछले छः महीने से स्टेबल होना चाहिए छोटा मोटा वेरिएशन हो गया आधे पौने का पॉइंट टू फाइव का डजन मैटर बट मोर मोरऑल लेस इट शुड बी स्टेबल जो लेडीज़ हैं दे शुड नॉट बी प्रेगनेंट ऑन ऑन ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा कुछ ऐसी दवाइयाँ अपना खा रहे हो जिससे बॉडी का इम्यून इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स जो ऑल्टर हो जाएगा जैसे स्टेरॉयड होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंस मतलब, होते हैं लूपस जैसे लूपस वाले नहीं कराएंगे ठीक है अच्छा साथ में आपकी आंख में और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेनली चश्मे का नंबर ही होना चाहिए सो वंस यू फुलफिल दीज क्राइटेरिया फिर आप एक हॉस्पिटल में जाते हो जहां पर ऑपरेशन हो सकते हैं उस हॉस्पिटल में भी आपके बारह पंद्रह तरह के टेस्ट होंगे ऑल टेस्ट शुड कम नॉर्मल एंड देन यूर फिट कैंडिडेट फॉर द सर्जरीज वहां पर भी कोई भी ऊपर नीचे टेस्ट हो गया वी बेटर अवॉइड द सर्जरी बट यूजअली ऐसे लफड़े नहीं होते भाई आजकल कम है लेकिन किसी कोई मिलेगा तो उसको मना करना इज अ बेटर ऑप्शन मतलब जबरदस्ती नहीं करना मतलब अगर आपका डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप सर्जरी मत कराओ चश्मा पहन लो सो डोंट डू दिस कि इस डॉक्टर ने मना कर दिया दूसरे डॉक्टर के पास करा लिया मतलब इज अ रीजन नो वो रिपोर्ट से पता लग जाता है हु इज अ फिट कैंडिडेट एंड हु वुड हैव प्रॉब्लम लेटर ऑन लाइफ तो मान लो किसी ने वो एक बार ये ऑपरेशन कर लिया और फिर दस साल बाद नंबर वापस आ गया फिर से कॉर्नियल थिकनेस टेस्ट करना होता है ये जो वापस आने का मतलब है ना ये वापस का मतलब ये नहीं कि पूरा नंबर आ गया मान लो किसी ने पाँच नंबर हटवाया दस साल बाद अगर कुछ नंबर आएगा तो आधा या पौना ऐसी फ्लक्चुएशन होती है ये नहीं कि दस साल बाद पाँच नंबर वापस आ गया अच्छा आधा पौना नंबर आया तो थोड़ा सा टिश्यू हटाने को मेजर तो हटाना नहीं हल्का सा लेज़र डाल के उसको पॉलिश कर दिया ठीक कर दिया बट दिस इज लाइक द rarest ऑफ द rarest केसेज नाइनटी नाइन पॉइंट में नहीं होता एंड बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट इन दिस टेक्नोलॉजीज सो आई वॉन्ट टू टेल as एज number ऑफ पीपल आई डॉक्टर्स और आई डॉक्टर्स के बच्चों ने सबसे ज्यादा चश्मा हटाने के लेस्टिक वगैरह के ऑपरेशन कराए हैं बिकॉज वी डू इट एवरी डे एंड वी नो दैट इट्स अ वेरी सेफ एंड वेरी रिलायबल टेक्नोलॉजी तो आई डॉक्टर्स ने तो बहुत ही लोगों ने कराया उन्होंने अपने बच्चों का भी कराया टनोलॉजिकली स्पीकिंगली स्पीकिंग मॉडर्न चीज है क्या मतलब हाउ इज इट बैटर सो बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल इज टिल द सेम भाई गाड़ी को चलना तो चार बइयों पर ही है नाउ इट कैन बी अंडर सिटी इट कैन बी अज इट कैन बी अम्बोगनी सो दे हैव एडवास्ड द सो वर्ट देव डन इसकी एनर्जी को बहुत लो कर दिया है वी वॉन्ट टू पुट मिनिमम एनर्जी टू योर आई फिर एक स्पॉट साइज होता है स्पॉट डिस्टेंस होता है उसको कम कर दिया है विच हेल्प्स बेटर रिकवरी फिर दे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक बाय कन्वेक्स लेंटिक्यूल बना रहे हैं सो इट्स द नैचुरल शेप ऑफ द लेंटिक्यूल जैसे हमारे कैमरे का लेंसेज बाई कन्वेक्स होता है सो इट प्रोड्यूसिस अ बेटर पिक्चर सो द सेम टेक्नोलॉजी दे आर ओनली रिफाइनिंग विथ टाइम इज जस्ट एडवांसिंग द सेम थिंग इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर है प्रसिजन के साथ सर्जरी हो पा रही है यू कंपेयर आज की होंडा सिटी एंड बीस साल पहली होंडा सिटी भाई दोनों होंडा सिटी हैं बट द क्वालिटी इज इम्प्रूवड द सेफ्टी इज इम्प्रूवड द परफॉर्मेंस इज इंप्रूवड अंदर के जो म्यूजिक सिस्टम है वो बेटर हो गया इंटीरियर बेटर हो गया एक्सटीरियर बेटर हो गया बट दिल द सेम कार सेम विद दिस टेक्नोलॉजी इट इज लाइक आईफोन इलेवन के बाद ट्वेल्व आ जाता है ट्वेल्व के बाद थर्टीन आ जाता है बट देश क्रक्स इज स्टिल द सेम ओनली द रिफाइनमेंट इन द प्रोसीजर अगर आपको यह क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ